नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सुपर ट्रेडिंग परवीन में। रोजाना की तरह मैं आप सबके सामने आ गया हूं फिर से एक बेहतरीन और बढ़िया शेयर लेकर। चलिए आप सबको उसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, जिससे कि रोजाना आपको ऐसे ही नए नए बेहतरीन और बढ़िया शेयरों के बारे में पता चल सके। तो आज जो मैं कंपनी आप सबके सामने लेकर आया हूं, उस कंपनी का नाम है विकास लाइफ केयर लिमिटेड। और इस कंपनी में क्या बड़ी खबर आई है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और अपने इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये कंपनी कैसी है, आपको इसका शेयर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और इस कंपनी के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं। तो उसके लिए आप मेरा वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आपको ये सब चीजें पता चल पाएंगी कि ये कंपनी कैसी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कंपनी में एक बड़ी खबर आई है, इस कंपनी को 50 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर इस कंपनी की एग्रो प्रोडक्शन डिवीजन को मिला है। ये ऑर्डर इस कंपनी को ऑर्गेनिक राइस सप्लाई करने के लिए मिला है। चलिए आगे बताता हूं मैं आपको। एक साल पहले इसका शेयर 3.15 रूपये का था और 5.15 रूपये का है। एक साल में इसने डबल कर दिया था। सोचिए अगर आपने इसमें एक साल पहले 1 लाख रूपये लगाए होते तो आपके 2 लाख रूपये हो चुके होते। अब मैं आपको इस कंपनी के बारे में बताता हूं कि ये कंपनी करती क्या है। ये कंपनी 1995 में बनी थी। ये कंपनी चार बिजनेस सेगमेंट में काम करती है, एक ट्रेडिंग, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन FMCG और चौथा हेल्थ केयर। और ये कंपनी स्मार्ट प्रोडक्ट बिजनेस में भी काम करती है। इस सेगमेंट में ये कंपनी स्मार्ट गैस एंड वाटर मीटर्स बनाती और इंस्टॉल करती है। ये कंपनी इंफ्रा प्रोडक्ट्स में स्टील फिटिंग्स एंड स्टील बार्स बनाने का भी काम करती है। ये कंपनी फूड ग्रेड पाइपिंग सिस्टम भी बना रही है जल जीवन मिशन के अंडर। ये कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी है। अब मैं आपको इस कंपनी के नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बताता हूं। इस कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशो बहुत कम है। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग सिर्फ 11.4% है, जो कि बहुत कम है। और इस कंपनी ने पिछले 3 सालों में प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग 8.69% कम की है इस कंपनी के अंदर। अब मैं आपको ये सारे इसके नेगेटिव पॉइंट्स थे, अब मैं आपको इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में बताता हूं। इस कंपनी का मार्केट कैप 873 करोड़, पी रेशो -83.17, ROE -5.93% और डेप्ट टू इक्विटी 0.07 है। इसके MD CEO मिस्टर संदीप कुमार धवन हैं और ये कंपनी 1995 में बनी थी। आपको इसका एक और नेगेटिव पॉइंट बताता हूं, इसमें FIS ने भी अपना स्टेक कम किया है। फरवरी 2024 में FIS का स्टेक इसमें 11.05% था और फिर अब कम होकर मार्च 2024 में FIS का स्टेक इसमें 10.49% हो गया है। अब मैं आपको इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बताता हूं। इस कंपनी में रिटेल का 78.13%, प्रमोटर्स का 11.43%, FIS का 10.49% और DIS का 0% स्टेक है। मेरे हिसाब से ये कंपनी ठीक है, पर अगर हम इसका ग्राफ देखते हैं तो 17 अगस्त 2020 को इसका शेयर 14.82 रूपये का था, 82 पैसे का था, और ये इसका ऑल टाइम हाई था। और तभी से ये शेयर लगातार गिर रहा है और जिगजैग ऊपर नीचे हो रहा है। अगर आप इस शेयर को लेते हैं तो आपको इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना होगा, तभी आपको इसमें अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो इससे जुड़ी हुई ये नई खबर आई थी, इसलिए आप सबके सामने मैं इस शेयर को लेकर आया हूं। ये मेरी पर्सनल थ्योरी है, ये कोई शेयर सेल और परचेज करने की सलाह नहीं है, ना ही मैं कोई सेबी से रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर हूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोज को लाइक करते रहिए, जिससे कि रोजाना आपको ऐसे ही नए नए बेहतरीन और बढ़िया शेयरों के बारे में पता चल सके। और मैं कल फिर आऊंगा आप सबके सामने फिर से एक नया बेहतरीन और बढ़िया शेयर लेकर। धन्यवाद।